सतत विकास लक्ष्यों में से तीसरा लक्ष्य है अच्छी सेहत। अगर हम पिछले कुछ साल के आंकड़े देखें तो इस दिशा में काफी काम हुआ है। जहां एक तरफ नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में तेजी से कमी आई है, वहीं दूसरी तरफ मलेरिया और एचआईवी से होने वाली मृत्यु की संख्या घटकर लगभग आधी हो चुकी है। हालांकि जलवायु और पर्यावरण में होने वाले बदलाव, तेजी से होता शहरीकरण और आए दिन पनपने वाली नई बीमारियां अच्छी सेहत के लक्ष्य को पूर्ण रूप से हासिल करने के बीच व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। इस तरह से अगर ये चीजें चलती रहीं तो 2030 तक इस लक्ष्य को हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आइए डालते हैं आंकड़ों पर एक नजर। आज भी लगभग 400 मिलियन लोगों के पास मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इतना ही नहीं, लगभग 40% लोगों के पास सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। लगभग 1.6 मिलियन लोग अभावों की जिंदगी बिता रहे हैं। ऐसे में पौष्टिक भोजन और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी का प्रभाव उनकी सेहत पर पड़ता है। हालांकि साल 2017 के अंत तक 21.7 मिलियन लोगों को एचआईवी का उपचार मिलने लगा था, लेकिन फिर भी लगभग 15 मिलियन लोग इस उपचार के इंतजार में हैं। हमारी जीवन शैली इतनी बदल चुकी है कि उसका प्रभाव सीधा सेहत पर पड़ने लगा है। यही वजह है कि हर 2 सेकंड में 30 से 70 साल की उम्र के बीच के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक, सांस की बीमारी, डायबिटीज या कैंसर की वजह से हो रही है। पर्यावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि हर साल लगभग 7 मिलियन लोग प्रदूषित हवा में मौजूद कणों की वजह से मरते हैं। औसतन हर 3 महिलाओं में से एक के साथ जिंदगी में कभी न कभी शारीरिक या मानसिक शोषण होता है। इसका बुरा असर उनके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।